स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में भाई। ठीक, हम लोग बात करने वाले हैं प्रोवर्ब्स के बारे में, और प्रोवर्ब्स के बारे में बात करने वाले तो मैं तुम्हें एक चीज है जहां पर सिखाना कोशिश करूंगा, और आई होप ये आप में से 90% और 95% स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगी, ये मेरे दिमाग में भी हाल ही आया है। एक होते हैं भाई क्या इडम्स, दूसरे होते हैं क्या फ्रेज, और तीसरे हमारे क्या होते हैं प्रोवर्ब्स, यही होते हैं ना, समझ गए हो ना। तो मुझे ये बताना है आपको idioms, phrases और proverbs के बीच में अंतर क्या होता है। पहले अपन लोग इनको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं भाई, क्या बोले पूरा टाइम निकल जाए मेरा, समझ रहे हो ना, लेकिन अंदर तक तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि पहले इनमें डिफरेंस क्या है। कभी भी बोल देते हैं ये phrasal preposition है, ये phrasal verb है, तो हम लोगों को मेंटली रूप से क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि idioms क्या होते हैं, phrases क्या होते हैं और proverbs क्या होती है। Anybody is there who will just tell the difference? कोई है ऐसा जो मुझे बताएगा भाई? चलो हिंदी में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आप। Idioms मतलब क्या? मुहावरे। Phrases मतलब क्या? लोकोक्तियां। और proverbs मतलब क्या? कहावतें। तो मुझे ये बताओ मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस? हिंदी पढ़ रहे हो ना तुम लोग? पढ़ रहे हो तो बताओ। Proverbs और idioms इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कैसे पहचानेंगे भाई ये idioms है या proverb है? आप उसके अकॉर्डिंग ही तो यूज करेंगे, डोंट टॉक, समझ रहे हो ना बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूं भाई? इंग्लिश में भी तो हमें पता चले ये होते क्या हैं, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब ही तो हमें ये पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोवर्ब्स पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, मैं स्टार्टिंग में जिन चीजों में मैं खुद कंफ्यूज होता हूं ना, मैं वो चीजें आपको स्पेशली कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हें वो चीज बता सकूं। यहां पर क्या है, जब मैं स्टार्टिंग में था ना तो मुझे खुद इस चीज का पता नहीं रहता था, तो मैं कहावतें और मुहावरों के बीच में डिफरेंस ही पता नहीं कर पाता था। व्हेन आई वाज इन स्कूल टाइम, व्हेन आई वाज इन स्कूल ऑन दैट टाइम, मेरे पास नहीं होता था ये, मतलब नहीं कर पाता था मैं। तो हिंदी में तो बताओगे भाई मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो आज तुम्हें सुनना है, कल मैं फिर पूछूंगी, ठीक है ना? आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना तीनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि मुझे जितना रिकॉल होगा मैं उतना तुम्हें बता पाऊंगा, क्योंकि अपन लोग फिर इसके क्लियर करते चलेंगे। देखो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं किससे, फ्रेज से शुरू करते। फ्रेज का मतलब होता है, आप लोग गलत कह रहे हैं, फ्रेज वो नहीं होता है जिसका क्या है पूरा सेंस निकलता है। इसको फ्रेज को अगर हम लोग डेफिनेशन लें तो इसकी क्या हो जाता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड प्रोवर्ब्स, इट्स कॉल्ड फ्रेज, समझ रहे हो ना? एक ऐसा शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका क्या होता है कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है वो किसी, जब तक क्या है, मतलब अगर हम लोग कहें हिंदी में इसको देखो, वाक्य और वाक्यांश जो फ्रेज होते हैं ना वो एक सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं बताते हैं। अगर इन फ्रेज को अलग कर दिया जाए तो इनका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन इनका क्या है मीनिंग निकालने, एक कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए हमें क्या है दूसरे शब्दों से जोड़ना पड़ता है, कंप्लीट सेंस निकालने के लिए पूरा सेंस बनाना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप देख लें, अगर मैंने यहां पर बोला द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब मैं तुम्हें यहां पर बताऊं इसमें अंडर द टेबल जो है ना ये क्या है, फ्रेज है, अंडर द टेबल है ना ये क्या है, फ्रेज है। ही वॉक्स फॉर अ मींस वेट फॉर अ वाइल, अब यहां पर
फॉर अ वाइल क्या हो गया हमारा, फ्रेज हो गया। अगर मैं इसी पे दूसरा बोल देते ना, हम लोग बोल देते हैं ही सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर, यहां पर इस तरीके का है ना, ऑन द चेयर या ऑन द टेबल, ये सब क्या है, ये फ्रेज होती है। फ्रेज का मतलब है कि यहां पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ना। दूसरा क्या है, अगर अंडर द टेबल, इसका मीनिंग तो कुछ निकलेगा ना, मीनिंग निकलेगा ना। जैसे मैं कहूं तो मैं यहां पर एक वर्ड लिख दी मैंने, आफ्टर सनसेट, आफ्टर, अब ये क्या है, ये एक फ्रेज हो गया, लेकिन इसका मीनिंग निकल रहा है, निकल रहा है ना मीनिंग, इसका मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। सूरज ढलने के बाद क्या, वैसे ही मैंने कहूं अगर मैं केवल इतना बोल दूं कि अंडर द टेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टेबल के नीचे, लेकिन टेबल के नीचे क्या क्या कंप्लीट मीनिंग निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है। तो क्या है, कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, समझ रहे हो ना। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया पूरा एक सेंटेंस। हाँ बोलो, तो कुछ कह रहा है नहीं, समझ गए ना। तो फ्रेज का मतलब क्या होता है कि फ्रेज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इनकम्प्लीट सेंस, क्या होता है इनकम्प्लीट सेंस, इनका कुछ मतलब होता है लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि इनका ये पूरा मतलब नहीं निकाल सकते, ये अपना अर्थ जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनको अपना अर्थ निकालने के लिए, अपना मीनिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे कंप्लीट सेंटेंस में जुड़ना पड़ेगा। ये पूरे सेंटेंस में जुड़कर उनका कंप्लीट मीनिंग बताते हैं। कुछ आया समझ में है ये बात, इफ somebody विल ask you, can you answer the phrase का मतलब समझ पाओगे ना। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, कहीं भी जैसे बोलते हैं ना, shut the door, ये भी भाई क्या है, phrase है, समझ पा रहे हो, है ना। तो कुछ इस तरीके के जहां पर अक्सर हम लोग प्रीपोजिशन मिलाकर बना रहे होते हैं, ये बात ठीक है, फ्रेज। तो फ्रेज क्या, जिसको वाक्यांश बोल रहे होते हैं, ये वाक्य का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है, वाक्य का ही क्या है, पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट्स नॉट अ सेंटेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये बात ठीक है। अब यहां पर हम लोग फ्रेज से चले जाते हैं कहां पर, इडियम्स पर, यानी कि मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों के बारे में, अगर इडियम्स के बारे में हम लोग बात करें तो ये भी क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज, अब इनमें थोड़ा सा अंतर है कि जो, अगर मैं तुम्हें बोलूं ना एक फ्रेज ही क्या होते हैं, इडियम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेज ही होते हैं, इडियम्स आर आल्सो फ्रेज। इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, वाक्यांश हैं। अब यहां पर देखना कि अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि इडियम्स और प्रोवर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखें, प्रोवर्ब्स जो होती है ना वो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, और इनका कुछ होता क्या है, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं और इनका मतलब क्या है, पूरी तरीके से स्पष्ट होता है, ये अपना अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट क्या है निकाल सकते हैं, ये बात ठीक है। कौन होते हैं, प्रोवर्ब्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कहावतें। अब इसको थोड़ा अपन लोग इस तरीके से समझते हैं, थोड़ा लॉजिकली समझते हैं, प्रोवर्ब कहावतें क्या होती है भाई, कहावतें हम लोग जो अभी आगे देखने वाले हैं, कहावतों का मतलब क्या होता है कि जो किसी इंसान ने एक्सपीरियंस करके बोला हुआ है उनको क्या बोलते हैं, जो काफी लंबे समय से किसी व्यक्ति ने या बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करके कोई बात बोली है उसको हम क्या बोलते हैं, कहावत बोलते हैं। और जिसका कहावत बोलने का पर्पस क्या होता है, कुछ आपको एडवाइस करना, कुछ फ्यूचर से रिलेटेड आपको कोई मतलब कोई चीज बताना कि आप आगे क्या हो जाए, मतलब आप लोग थोड़ा सा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए, समझ रहे हो ना। हमेशा जो क्या होती हैं कहावतें, प्रोवर्ब्स होती हैं, उनका पर्पस क्या होता है, वो किसी एक्सपीरियंस के बेस पर बोली जाती है। और प्रोवर्ब्स की खास बात होती है कि ये अपना अर्थ पूरी तरीके से क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने को मतलब कहावत है जो फर्स्ट टाइम ही सुन रहा है, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम ही सुन रहा है। जैसे मैंने कहा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये क्या है, एक कहावत है, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन ये कहावत क्या है, आपने पहली बार सुनी ना उस व्यक्ति को भी ये बात समझ में आ जाएगी। और क्या ये अगर मैं कहूं ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड या हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्या अपना ये मीनिंग निकाल पा रही है, पूरा निकाल पा रही है ना, समझ पा रहे हो ना, ठीक है कि नहीं है। तो क्या है प्रोवर्ब्स का मतलब है, जो अपना कंप्लीट मीनिंग निकाल पाती है। दूसरा ये क्या है, एक्सपीरियंस के बेस पर बोली जाती है, कही जाती है, ठीक है ये बात। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर इनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मुहावरे और कहावत, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यहां पर देखें
इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो इडम्स है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, ये भी क्या होते हैं, फ्रेज ही होते हैं. क्या होते हैं? फ्रेज ही होते हैं, यानी कि ये भी क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं. प्लस ये भी क्या करते हैं, अब इसको कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं कि हर इडम्स जो है वो क्या होता है, फ्रेज होता है, लेकिन हर फ्रेज इडम्स नहीं होता है. इसको थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर, बाकी क्या है, दूसरा क्या बोल रहा हूँ कि ये भी क्या होते हैं, फ्रेजेस ही होते हैं, यानी कि ये फ्रेज क्यों बोला जा रहा है, ये भी वाक्य का एक पार्ट होते हैं. अब दूसरा, अगर मैं तुम्हें कहूं मुहावरे और कहावतों के बीच में एक और डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो वो क्या है कि जो मुहावरे होते हैं ना, जैसा बोले जा रहा होता है ना, उसका वैसा कुछ मतलब नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं होता उनका, जैसा लिखा हुआ है कि उसका वैसा का वैसा निकल रहा है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा एक इस तरीके का, मैंने कहा पप्पू उसके फादर की, वो एक बोलते ना कि बूढ़े की लकड़ी, क्या बोलते, अंधे की लाठी है ना, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं. और उसी को अब यहां पर क्या बोलते हैं हम लोगों ने, एकमात्र सहारा, तो अब क्या बोलेंगे कि अंधे की लाठी. तो इसका क्या है, तुमने दूसरा अर्थ बताया क्या, एकमात्र सहारा मतलब उसका अंधे की लाठी, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा. अगर इसको प्रॉपर जैसा लिखा जाए अंधे का सहारा, उसका कोई मीनिंग निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना. अंधे की लाठी क्या मतलब निकलेगा इसका, इसका मीनिंग कुछ और निकलेगा भाई. तो मुहावरे जो होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, उनको दूसरे को कैसे बोलेंगे, इसको पप्पू उसके फादर की अंधे की लाठी है क्या, हाँ एकमात्र सहारा है. देखो हिंदी में थोड़ा, इंग्लिश में मैं बता दूंगा, हिंदी में थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, है ना, ये बात समझ पा रहे हो क्या. तो मुहावरों का मतलब है कि वो जैसे लिखे, कहावतें क्या है, जैसी लिखी जाती ना, जैसे बोलते ना, जो लिखा है वही पढ़ा जा रहा है और वही देखा जा रहा है और वही समझा जा रहा है, ये क्या होती है कहावतें. मुहावरे क्या है, लिखा कुछ गया है ना, पढ़ा उसको जा रहा है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलना है, ये क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं. तो समझ पा रहे हो. अब इनके बीच में एक और डिफरेंस मैं तो बताता हूँ. तो हिंदी में मुहावरे होते हैं, इनकी खास बात होती है, 90% सेंटेंस में आपको इनके लास्ट में क्या मिलता है, हाँ मिलेगा, अंधे की लाठी होना, समझ रहे हो ना. 90% केस में आपको इनके मुहावरों के लास्ट में क्या मिल रहा होगा ना, कहावतों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझ गए हो, कहावतों में. अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुभ गई खेत, तो क्या है भाई, इसमें तो ना नहीं आ रहा है ना, समझ गए हो ना. तो ये क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये क्या है, ये फ्रेज ही है, लेकिन इनका क्या है, जो जैसे लिखे होते हैं उनका अर्थ कुछ और निकल रहा होता है, लेकिन सेंटेंस में इनको मिलाकर इनका अर्थ निकाला जाता है, फ्रेज होते हैं. और फ्रेज के बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि फ्रेज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है कि नहीं है, जो क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस सेंस दर्शा रहे होते हैं. आइटम्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉर्ट एंड मीन्स अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट एंड पॉपुलर, है ना, पॉपुलर होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और इनका क्या है, इनका मीनिंग दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट होता है, मतलब दूसरी चीजों से जहां पर भी बोला जाएगा उसका मतलब किसी न किसी चीज को लेकर होता था. मुहावरों में एक और खास बात है कि डायरेक्टली आपने कोई मुहावरा सुन लिया तो हो सकता है कई बार आप उसका मतलब ना निकाल पाए, लेकिन कहावत में एकदम क्लियर है, जो कहावत बोल दिया है आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, चाहे आप उसको फर्स्ट टाइम भी क्यों ना सुन रहे हो. तो ये बात कुछ क्लियर है क्या, थोड़ा एक मोटा मोटा आइडिया लग गया आप लोगों को, तो समझ गए ना. अब आप समझ जाओगे, अगर मैं फ्रेज बोलूँ तो आप समझ जाओगे फ्रेज का क्या मतलब. फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज इनकम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. इडम्स का हम लोग क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर, अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट एंड पॉपुलर विच हैज मीन्स क्या, मीनिंग, बट कौन सा मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग. इम्प्लाइड मतलब क्या होता है कि जो किसी उसका मीनिंग खुद से ना निकाल पा रहा हो रहा, मतलब जैसा लिखा है वैसा ना होते हुए उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, ठीक है. और प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव अ कंप्लीट सेंस, ठीक है कि नहीं है, कंप्लीट सेंस वाले होते हैं, इंटेंड होते हैं. इंटेंड मतलब समझते हो ना, जैसा लिखा गया है वैसा ही पढ़ा जाएगा और वैसा ही इंटेंड, इसको क्या बोलते हैं, इंटेंड, ठीक है. पढ़ें आगे. तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं भाई, प्रोवर्ब शुरू करने वाले हैं, ठीक है. अब समझ गए ना, प्रोवर्ब यानी कि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, कहावतें शुरू करने वाले, ठीक है. देखते हैं कितने कहावतों तक हम लोग पहुंचते हैं. क्या ये जरूरी था जो मैंने बताया, जरूरी था ना, क्लियर तो हो गया ना उससे. चलो फर्स्ट बात करते हैं हम. अब इसकी शुरू करने से पहले ना
कहावतें शुरू करने से पहले एक और लास्ट चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी के जैसी नहीं होती, इंग्लिश हिंदी के जैसी नहीं होती। एक्चुअली में हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, कि हम लोग क्या करते हैं, जैसी हिंदी है ना उसको एज इट इज ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ सेंस। कैसी लैंग्वेज है? सेंस की लैंग्वेज है। सेंस मतलब क्या? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब क्या? कॉमन सेंस, एवरीबडी हैज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब क्या? आपने किसी को कुछ बोल दिया, उसे बुरा लग गया, तो आपको पता चल जाता है कि उसे बुरा लग गया, दिस इज कॉमन सेंस। ठीक है कि नहीं, समझ गए ना? टीचर को फुल कॉमन से मतलब सेंस से पूरा समझ में आता है, कौन सा, कि अगर आप में से कोई पढ़ रहा है किसको समझ में आ गया है, किसको नहीं आया, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, ये हमें पूरा पता होता है ना। जैसे वो अभी वो तो सुनाई नहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं है? हाँ, लुक एट हियर, तुमसे कह रहा हूं, ठीक है ना, समझ गए ना बात को? तो क्या है सेंसिबल लैंग्वेज? अब सेंसिबल का क्या मतलब है, इधर देखो, सेंस का मतलब, क्योंकि ये जरूरी है, अभी अगर इस बात को नहीं बोलूंगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तुम्हें। क्या होता है कि जो इंग्लिश में कहावतें होती हैं हमारी या हिंदी में जैसी होती हैं, वो एज इट इज कन्वर्ट नहीं होती हैं, उनका सेंस एक जैसा निकलना चाहिए। सेंस मतलब मतलब एक ही होना चाहिए, समझ रहे हो ना? मतलब का मतलब क्या है इसको देख लें हम, क्या मतलब क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस है भाई, परफेक्ट टेंस का परफेक्ट का क्या मतलब होता है, कंप्लीट होना, कार्य का पूरा होना क्या कहलाता है, परफेक्ट कहलाता है, समझ रहे हो ना बात को? हम लोग उसको कैसे बोल रहे होते हैं, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, ये मतलब क्या है, इसका सेंटेंस का मतलब है कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा आप देख लें उसी में, मैंने कहा मैंने खाना खा लिया है, इन दोनों सेंटेंसों का मतलब एक ही है, इन दोनों बातों का सेंस एक ही है, और एक हमारी बुंदेलखंडी में डायरेक्टली क्या हेलो, हाँ ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट, मतलब तो तीनों का एक ही है ना, समझ रहे हो ना? तो क्या है, सेंसिबल लैंग्वेज है, सेंस से मैच होना चाहिए, ठीक है ये बात। मतलब क्या है, इंडिया के लोग भाई पूरी तरीके से अलग हैं और अमेरिका के लोग पूरी तरीके से अलग हैं, उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में पूरी तरीके से अंतर है, एज इट इज कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। अगर ऐसे बोलेंगे ना, एक अनार सौ बीमार, इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, वन पॉमग्रेनेट एंड हंड्रेड सिक पीपल, ऐसे थोड़ा ना कन्वर्ट करेंगे, हाँ ना, एक अनार सब, इसको सेंस निकलना चाहिए भाई, तो उसको क्या है, सेंस के तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, समझ गए हो ना बात को? तो फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, फर्स्ट आप लोग देख लें, नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ, नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं भाई। भाई एक व्यक्ति है जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और एक व्यक्ति है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, विच वन इज मोर पावरफुल दिस होल वर्ल्ड, द पर्सन हु हैज मेंटल स्ट्रेंथ। तो क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, अगर सारे जानवरों के बारे में बात करें, सारे जानवर, हाथी गाय भैंस, इन सब में हमसे ज्यादा ताकत है फिजिकली देखा जाए, परंतु हमारे अंडर में ही चलती हैं, देखो है कि नहीं है, और तो और लोग उनको हलाल कर देते हैं बेचारा, समझ गए हो ना? तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अब तुम इसको इस तरीके से देख लें कि नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है, अकल बड़ी की भैंस, बताओ अकल बड़ी की भैंस, मुझे लग रहा है इसकी भैंस ज्यादा बड़ी है। वो बोला सर हमारी तो मेरी अकल से नाप के भी देखी थी मैंने, है ना, समझ गया ना क्या अकल बड़ी या भैंस। चलो दूसरे पे इंटरेस्टिंग बात करते हैं, आगे चलते हैं, और अगला देखें, ऑल इज वेल द एंड वेल, हाँ वेरी गुड, समझ गए ना, ऑल इज वेल इफ द एंड इज मींस ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये सब कुछ बढ़िया है भाई। आप लोगों ने कितनी प्रॉब्लम झेली लाइफ में, कितना कुछ स्ट्रेस झेल रहे हो, क्या क्या हो रहा है, फाइनली जॉब लगी, ओके नाउ एवरीथिंग हैज बीन मींस क्या रिलैक्स पोजीशन में हो गए हो बिल्कुल। तो क्या है, आपने क्या कर रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, नहीं उठ रहे हो, अंत भला तो भला है कि नहीं है, ऐसा ना हो पता चला कई बार कि सर ये तो आप गलत कह रहे हैं, अंत भला तो सब भला, अगर बुढ़ापे में जीवन जिएंगे तो फिर जवानी का क्या होगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पर किस सेंस में है, अगर कोई चीज हो गई है, कोई आपका कोई लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट भी आ गया है जहां पर आप क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और फाइनली एट द एंड वो क्या हो गया, सब ठीक हो गया, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, समझ पाओगे ना, वेरी गुड, आप तो ज्यादा मुझे स्मार्ट लग रहे हो। अब हिंदी में नहीं बोलना है, बस हाथ खड़ा कर देना है, लाइक प्रीस्ट, लाइक
डिसिपल, ये तो तुमने सुना ही होगा भाई। जैसे ये 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 लड़कियों पे भी काफी कमेंट किया जाता है, पता तुम्हें, जैसे तुमने सुना होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, प्रीस्ट मतलब क्या भाई, जैसा उसका क्या होगा, यहाँ पर कई तरीके से सेंस में निकाला जाता है भाई, प्रीस्ट यानी क्या, पंडित, जैसा उसका गुरु होगा वैसा ही चेला होगा, जैसा गुरु वैसा चेला, या फिर कुछ इस तरीके से, जैसा बाप वैसा, बोलते थे कि नहीं बोलते, नहीं, जैसा बाप वैसा बेटा, और लड़कियों में भी कह सकता भाई, शादी हो गई, शादी के बाद में लड़की आ गई है ना, बहू काम नहीं कर रही, तो फिर फाइनली सीधा टारगेट उसकी माँ पे होता है, कुछ नहीं सिखाया, जैसी बेटी वैसी माँ, या जैसी माँ वैसी, किसी को नहीं छोड़ रहे, पता, समझ रहे हो ना, तो क्या लाइक प्रीस्ट लाइक डिसिपल, समझ गए हो, क्या है, क्या होगा हिंदी इसका, जैसा बाप वैसा बेटा, चाहे इसको ऐसा बोल सकते हैं, जैसा गुरु वैसा, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ, कि जैसे बच्चे होते हैं ना वैसा ही टीचर होता है। वेरी गुड, अच्छा मैं उल्टा कह रहा हूँ, नहीं मैं आई विल मेक यू प्रूव दिस, कैसे, देखो अगर बच्चों का मतलब लेवल जितना है उसके हिसाब से टीचर को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली मतलब क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जिस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछोगे उस तरीके का मेंटल लेवल मेरा भी क्या होना चाहिए, स्ट्रांगली, अब पता चला बच्चे ही है ना क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं, वो उतने लगे हुए हैं बस, तो फिर क्या होगा, टीचर भी उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या है, ऑडियंस पर भी डिपेंड करता है सामने वाले का भाव, और सामने वाले का भी क्या है, डिपेंड करता है कि वो ऑडियंस कैसी रहेगी, तो आई थिंक बोथ आर कोरिलेटेड, हाँ ठीक है ना, चलो देख लें आगे, ये इसमें क्या है, अंधा गुरु बहरा चेला, इसका मतलब क्या है, अंधा गुरु बहरा चेला मतलब क्या है, अगर गुरु अंधा है तो चेला कैसा होगा, बहरा होगा, है ना, वो मतलब बात एक ही है, अब इसको इस तरीके से नहीं लेना है, अपन क्या करना है, सेंस को समझना है, समझ रहे हो ना बात को, सेंस क्या है कि जैसा गुरु वैसा, अगला देख लें, एवरी पॉट ऑफ प्रेजेस इज ऑन फायर, भाई पॉट मतलब क्या, घड़ा, चलो एक तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग बताता हूं, मैंने बहुत सुना है, एक हमारे एक रिलेटिव्स हैं, और उस व्यक्ति के जो फादर थे, मतलब रिश्ते में वो व्यक्ति मेरा भाई कजन, बहुत दूर का रिलेशन है कुछ, वो क्या भाई लगते हैं, उनके फादर है ना, कुछ बहुत विशेष काम तो नहीं किया था उनके फादर ने, कुछ ऐसा मतलब है ना, बहुत ही कंजूस टाइप के व्यक्ति थे, और उनका है ना कोई रेपुटेशन वगैरह, कोई रिस्पेक्ट वगैरह भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं, सोसाइटी समाज में भी उनको कोई बहुत ज्यादा मतलब कास्ट में भी जाते हैं ना, तो उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन बेटे से पूछे तो हमारे फादर की बहुत रिस्पेक्ट है, ऐसा वैसा पता नहीं बहुत सारी बातें, तो तुमने सुना होगा ना कि अपना घर मतलब हर व्यक्ति को मालूम है कि मेरे मदर फादर ने ना मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, भाई सबने किया है और सबके पेरेंट्स ने किया, हो सकता है किसी ने और ज्यादा भी किया हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसको अपन बोलते हैं ना हिंदी में बोलते ना कि अपनी माँ को क्या बोलते हैं बताओ, हाँ अपनी माँ को डायन कौन बोल सकता है, नहीं बोल सकता ना, दूसरा इसको क्या बोल रहे हैं भाई कि हर व्यक्ति क्या करता है अपनी मतलब अपनी चीजों की तारीफ तो करता ही है, यहाँ पर भी क्या है कि कुमार है वो क्या करता है, अपने घड़े का तो बोलेगा ही ना भाई, बजा कर देखो खरीदने के लिए जाना, अभी तो मैं रिसेंटली बता रहा हूँ तुम्हें, एक जगह पर अभी एक क्या कहते हैं अमरूद रखे हुआ था और बेच रहा था, मतलब कुछ बहुत ज्यादा खास भी नहीं थे, खड़े से थोड़े ऊपर के होंगे वो, समझ रहा ना, इट वॉज 40%, और वो बोल रहा भाई साहब बिल्कुल ताजे लेकर आया हूँ, देख ऐसे हैं कि आप खाते ही आपका है ना मुंह मीठा हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते, मतलब समझ रहा बेच रहे हो, और जैसे ही बेच रहे हैं ना तो बेचने वालों की ट्रिक देखना, कितने के दिए 30 रुपए के किलो, भाई साहब 30 के कर दो, करते हैं कि नहीं करते हैं, जो भी नंबर उनका होता है ना उसको बजट बना लेते हो थोड़ी सी ज्यादा करके, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है, कहीं सब्जी खरीदने भी जाओगे ना तो भी पता चल 20-30 की कर दूं क्या, तो ऐसा है, ठीक, यहाँ पर देख लें, अपना दही को कोई खट्टा नहीं कहता, अपनी अपने दही को कोई खट्टा नहीं कह सकता, डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, अपनी माँ को कोई डायन नहीं बोलता है, सबको अपनी माँ अच्छी लग रही होती, ठीक, बढ़े आगे, अगला देख लें, सेल्फ प्रेजेस हैज नो रिकमेंडेशन, भाई कुछ लोगों को ऐसा होता है अपनी तारीफ करने में बहुत मजा आता है, देखो तारीफ के लिए मैं तुम्हें बहुत शानदार बात बता देता हूँ कि तारीफ दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसमें तारीफ कर करके आप दुनिया के लोगों को मतलब सबसे ज्यादा आज तक बेवकूफ बनाया गया है लोगों को, तो वो तारीफ कर करके, समझ रहे हो ना,
तारीफ दुनिया की ऐसी चीज है जिससे आप तारीफ करके दुनिया के व्यक्ति मतलब लोगों को कोई भी बेवकूफी करवा सकते हैं, एक चीज। दूसरा, अब तारीफ के बारे में दूसरी लाइन कि तारीफ करने के लिए अगर आपको किसी को खुश करना है तो तारीफ करनी पड़ेगी, और तारीफ करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। समझ गए ना फाइनली? लेकिन क्या है, कुछ लोगों को आदत होती है भाई अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। क्या मतलब? अपनी तारीफ खुद ही कर लेना, ऐसे होते ना। तो मैं से तो नहीं करता कोई, पर हम अपनी तारीफ तो नहीं करते लेकिन दूसरों की बुराई जरूर करते है कि नहीं है? तो यहां पर देख ले, सेल्फ प्रेज। प्रेज मतलब क्या? तारीफ, खुद की तारीफ की कोई भी रिकमेंड नहीं करता है, मतलब अपने मुंह मियां क्या मिट्ठू नहीं होना है। खुद की तारीफ को क्या है? अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, समझ रहे हो ना? मिट्ठू नहीं होना चाहिए, ठीक है? पढ़े आगे। अच्छा, ये देख रहे हो तुम कैसे बनता है सेल्फ प्रेज। अब इसका मतलब देख लो आप, सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन। रिकमेंड करना मतलब बोलते हैं ना कि डॉक्टर के पास आप कैसे गए, मुझे अपने एक फ्रेंड के फ्रेंड ने ऐसे ही रिकमेंड किया था, मतलब बताया था इनके बारे में कि आप वहां जाओ, सजेस्ट किया था मुझे। तो समझ रहे हो ना, मीनिंग भी निकालते चलना है साइड बाई साइड। पॉटर प्रेजेस हिज ऑन पॉट, यहाँ पर भी देखें ये वर्ड सेम वर्ड यूज हो रहा है, तारीफ करना है ना। हर कुमार अपने क्या है घड़े की तारीफ करता ही है। अगला देखें, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द, हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है यंग एज में। यंग एज में सबसे बड़ी समस्या पता, सुनो जरा ध्यान से, हम लोगों क्या होता है, जैसे ही हम लोगों को कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना, हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। मतलब अक्सर हम लोग जब हथौड़ा मारते हैं, जब एकदम लोहा कैसा हो ठंडा होता है तो टूट ही जाता है सीधा, टेढ़ा वेढ़ा नहीं होता। हम लोग इस तरीके का करते हैं, मतलब किसी ने कुछ बोला, हाँ गरम लोहा गरम होगा ना तो जैसा तुम उसको चाहोगे वैसा वो क्या है मुड़ जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं फिर। मतलब उसको अगर तुम्हें मोड़ना है तो उसे गर्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जनरली एक सीधा है उसमें मारोगे ठंडा है तो वो हो सकता है टूटेगा, उसको कुछ होना थोड़ी ना। आप उसको जैसा चाहो वैसा ढाल नहीं सकते। मतलब कहने का ये है कि सपोज आपकी किसी ने क्या कर दी भाई, इंसल्ट कर दी, तो उस इंसल्ट का बदला जब ना लें जब उसने की थी, जब लें जब आपका टाइम आ जाए। समझ रहे ना बात को? मैं कहीं एक मतलब एक वीडियो देखी थी मैंने, तो ऐसा पता नहीं वीडियो तो आजकल लोग कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक लड़का रहता है और वो जब स्कूल में रहता है ना तो उसके फ्रेंड्स उसे बहुत परेशान करते हैं, तब उसके स्कूल जो स्कूलमेट्स होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, कॉलेज में आ जाता है बहुत परेशान करते हैं, मतलब उसको हद पार कर देते हैं सारी की सारी। लेकिन फिर कंडीशन क्या हो जाती है कि वो IAS बन जाता है और बहुत सारे नीचे वाले फिर वो जैसे ही आता है ना, जिसको वो पहले बहुत परेशान करते थे, अब वो उनके सामने क्या कर रहे हैं भाई, सलाम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सैल्यूट कर रहे हैं भाई। समझ गए हो? तो क्या है, ये है एक प्रॉपर बदला लेना, ठीक है कि नहीं है? तो क्या है, इसको देख लें भाई, स्ट्राइक आयरन मीन्स स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। जब ही मतलब क्या मारे, अक्सर अफसर को हाथ से ना जाने दो, या फिर इसको, हाँ ये बिल्कुल सेंस समझ पा रहे हो ना इसका, कि जब ही उस टाइम को जैसे बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है, छीन ली जाती है, जब उसका मौका है सही तभी क्या बोलते हैं ना, मौके पे चौका मार देना, अफसर को क्या कर लेना, छीन लेना। जैसा सही टाइम आया, तुमने देखा इंटेलिजेंट लोगों की खास बात होती है वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को सही टाइम पर पहचान लेते हैं, और बेवकूफ लोगों की खास बात ये होती है वो अपॉर्चुनिटीज को क्या कर देते हैं, आती रहती है वो है ना, ठुकराते जाते हैं फिर है ना, रोते हैं। तो वहीं यहां पर ठीक है, अ फिगर अमंग साइफर्स। अब इसको किस तरीके से बोला गया है, फिगर का मतलब क्या है भाई, फिगर का मतलब क्या होता है, फिगर मतलब क्या, अरे हाँ कोई भी नंबर हो सकता है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, डायग्राम हो सकता है। जैसा नहीं था एक मूवी आई थी नक्शा, पता चला उसमें नक्शा था कर्ण के कवच कुंडल वाला, ऐसा कुछ है ना, फिगर हो गया। अब क्या लिखा है, आ फिगर अमंग साइफर्स। साइफर्स मतलब क्या होते हैं, लुटेरे। लुटेरे जो है ना उनके पास क्या है, एक केवल नक्शा है, उनको बाकी कुछ भी नहीं मालूम, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब वो क्या समझ रहे हैं, उनको खजाना मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। लुटेरों के हाथ में केवल क्या है, अभी एक फिगर ही है, एक अंदाजा है, और एकदम क्लियर नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं ना
कॉन्फिडेंस भी क्या मतलब, कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपनी चीजों पर, कॉन्फिडेंट का बोलते हैं जब एक प्रॉपर नॉलेज होती है, तो बोलते हैं ना अपन लोग बोलते हैं ये है देखो तीन चार सेंटेंस रट लिए इंग्लिश के और फिर वो ही लगे हैं बोलने के लिए, इनको बोलते हैं ना ये है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मतलब है ना, चार छह लोग अनपढ़ हैं उनके बीच में अपने चार 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 छह सेंटेंस चल रहे हैं, है कि नहीं है, वही अ फिगर अमंग साइफर्स, अंधों में काना राजा। आगे देखें, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, ये तो भाई है ही सिंपल है भाई, देख लें तुम देखना ये होता ही हर जगह। जो गांव में एक शब्द यूज किया जाता है जो छोटे छोटे नाले वगैरह होते हैं ना उनके लिए क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। तुम्हारा गांव डेवलप्ड गांव लग रहा है मुझे, लगी नहीं सर हमारे यहाँ पर प्रॉपर नाली है। हाँ क्यों बताओगे कोई, अरे इतने अच्छे क्या मतलब, फिर मैं इंग्लिश में तो हिंदी अच्छी वो करूंगा, मुझे गांव वाली हिंदी बड़ी अच्छी लगती है, उसमें यूज करते ना टाटा, टाटा वर्ड सुना ना तुम लोगों ने, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, पता ना गांव में होता है चारों तरफ से वो बागड़ लगाई दी जाए फिर उसमें एक बागड़ वाला ही बना दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ देखो हाँ भाष का जो भी चीज किसी भी चीज का बोलते तो है ना, गाँव के नहीं है तुम लोग क्या, सब शहर में रह रहे हो, चलो मैं गाँव का हूँ, सुना है ना टाटा, हाँ चलो तो एक और सुना होगा तुम लोगों ने जो बोलते हैं ना इनको झोरी नारे बोलते हैं क्या तुम लोग कुछ ही नहीं सुने है ना, अब इसको देखो फटाफट जो बात है, उनको तुम देखना जब भी बरसात का टाइम होता है ना वो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, खरेल बहुत करते हैं, क्योंकि क्या है सतह नीचे ही है, मतलब है ना समझ रहे हो ना, आवाज जहां कहीं भी क्या होगा, जैसे नदी है जहां पर भी गहराई बहुत ज्यादा होगी ना सिंपल साइकोलॉजी होगा वहां पर ठहराव होगा, और ये रियल लाइफ में भी क्या होता है, रियल लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट होता है लोगों के ऊपर भी, कि जिस व्यक्ति के अंदर जिसको बहुत नॉलेज होगी ना वो उसका प्रदर्शन नहीं करेगा हर जगह जगह पर, और जिसको कम नॉलेज होती है ना, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो स्टार्टिंग में नई नई इंग्लिश सीख रहे होते ना फिर वो हमेशा यूज कर रहे होते, जिसको नहीं आती ना उसको बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे लोग बहुत है मैंने देखे भी हैं ऐसे, हाँ और उनको कुछ ज्यादा तीन चार छह मतलब सेंटेंस आते होंगे है ना, व्हाट्सअप डूड और फलाना है, किस तरीके इस तरीके की सेंटेंस वो कर लेते हैं और उसके बाद चलता है, तो ये क्या होता है जो होता है ना, तो बोलते हैं वो तुमने एक सुना हो कि कोई मुझे कहीं सुना हुआ था पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे प्रॉपर, कि जो खानदानी रईस होते हैं उनमें उनको क्या होता है वो दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, ऐसा कुछ सुना हो तो आप लोगों ने ना, कुछ वैसा ही है भाई, जिसको पास खानदानी चीजें हैं मतलब जो प्रॉपर तरीके से है जिसको पूरा नॉलेज है ना वो क्या है बीच में टांग नहीं अड़ाएगा है ना, जो क्या है जिनको थोड़ा बहुत होता है वो क्या करते हैं होता चना साजे घना, समझ गए हो ना, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं आप, इसके एक और भी बोल सकते हैं सॉलो वाटर मेक्स मच नॉइज, तरीके से भी बोला जाता है इसको ठीक है ना, सॉलो वाटर मेक्स मच नॉइज इस तरीके से भी बोला जा सकता है, और एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, खाली है लेकिन आवाज बहुत कर रही है, मतलब ज्यादा कुछ आता आता नहीं है, कगरी खाली है लेकिन क्या है छलक रही है भाई, मेरे से पूछो मुझे सब आता है ना, आता कुछ भी नहीं है और ठीक है ना, अर्जल गगरी। अगला देखें गुड माइंड गुड पाइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन में लागू करें भाई, गुड माइंड गुड फाइंड वाला देखो समझते हैं इसको, आपस में एम्प्लॉय अब तो आपस में ही प्रूव हो गए हो तुम लोग, सर हम लोगों ने गुड गुड माइंड है हमारा गुड फाइंड करने लगे है ना, तो गुड माइंड गुड फाइंड मतलब क्या, देखो एक चीज जो मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों के अंदर जो मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं जैसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान दूसरे लोगों में वही देखता है जैसी उसकी मतलब सोच होती है, और ये बिल्कुल फैक्ट है, अगर आप एक पॉजिटिव व्यक्ति है ना तो आप क्या करेंगे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी देखेंगे, आपको चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, एक लूजर व्यक्ति होता है ना वो हमेशा चीजों को नेगेटिव ही देख रहा होता है, कहीं भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिली अब इसमें नहीं होगा, समझ रहे हो ना, तो वो सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी, और जो जैसा है जो बेईमान व्यक्ति है ना उसको दूसरे लोग भी बेईमान लग रहे होते,
और जो ईमानदार हो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कौन बेईमान है, तो वो जानता ही नहीं है, वो दूसरों के अंदर भी ईमानदारी ढूंढ लेता और बेचारा इसी वजह से धोखा खा लेता है। धोखे खाने वालों की पहचान क्या है, क्योंकि वो खुद अच्छे हैं और वो दूसरों में अच्छा ही देखकर बेचारा ने भरोसा कर लिया। और जो तुमने सुना ना, जो धोखा ना खाए मतलब समझ लेना बहुत चालाक व्यक्ति है और बेईमान भी। देख लें, गुड माइंड गुड फाइंड हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ देख क्या बोलेंगे सर, आप तो देख कर तो बोल ही सकते। जब किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता ना, तब ये लाइन बोलते हैं, बोलो अपन भले तो सब भले, है ना। आगे देख लें, अ ग्रेट क्राई लिटिल बूल, ग्रेट बूल लिटिल रोस्ट, ग्रेट क्राई लिटिल बूल। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? रो बहुत कम रहा है, हाँ रो ज्यादा रहा, सॉरी रो ज्यादा रहा है, लेकिन और क्या हो रहा है? अब यहां पर लिटिल वूल का क्या मतलब है? वूल मतलब क्या होता है? ऊन होता है। तो फिर यहां पर क्या मतलब हुआ इसका? सेंस से सोचो जरा, जितना सोच रहे होते हैं। अब जैसे है ना, अच्छा मैं एक क्वेश्चन करूंगा, हाथ खड़े करना फटाफट, आपको आंसर देने के लिए केवल आपके पास होंगे 3 सेकंड, ठीक, कितने? 3 सेकंड। अगर आप में मतलब आपको 1 किलो रुई दी जाए और 1 किलो मतलब चना दी जाए, तो किसमें ज्यादा वजन होगा? देखो भाई मैं किन लोगों के पास में बैठा हूं, किन लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहे हो? मैंने बोला 1 किलो चना दिए जाए और 1 किलो रुई दी जाए, तो कितने ज्यादा वजन होगा सोचो तुम। अरे कैसी भी है तो 1 किलो ही क्या बात कर रहे हो? अच्छा वापस, 1 किलो रुई सूखी है मतलब है ना, 1 किलो गीली है, कितना ज्यादा वजन होगा? कैसे बच्चे हैं भाई, थोड़ा डोंट टॉक नाउ, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो भाई। वंस अगेन, वन मोर टाइम, सेकंड वन, दूसरा देखो, एक कुएं में 5 मेंढक थे, 2 मर गए, कितने बचे? समझ गए हो ना? तो यही कॉन्सेप्ट वहां भी लागू हो रहा है। कैसा है मतलब? ग्रेट क्राई बहुत ज्यादा रोना, लिटिल बूल, लिटिल बूल यहां पर किसको दर्शा रहा है? मतलब आंसू कम निकल रहे हैं भाई, ठीक है कि नहीं है? रो बहुत ज्यादा रहा है, आंसू कम निकल रहे हैं, वजन बहुत कम निकल रहा है, यहां पर क्या है? इसको बोलते ना ऊंची दुकान पीका पकवान, सोचा जितना था ना वैसा कुछ भी नहीं निकला, ठीक है ना, समझ गए हो? बढ़े आगे, अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ये तो आप समझ ही सकते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशियन मतलब क्या? अरे वाह तुम लोग समझदार हो गए हो, हाँ, अ ड्रॉप जैसे सागर में एक बूंद, वैसा साइंस तो निकल रहा है देखो। और ये अब इसको देखो, ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन अ ओशियन, ये सेंस में एक ही बात लग रही है, बस यही अंतर है इंग्लिश में और हिंदी में। तो क्या है? सेंस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, मतलब दोनों का एक ही निकलेगा, समझ पा रहे हो ना बात को? लेकिन क्या है, एज इट इज नहीं कन्वर्ट सकते, नहीं तो पता चला जीरे का मीनिंग ढूंढ रहे हैं फिर कैमल वाला आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं करना है। अ ड्रॉप इन अ ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। अगला देख लें, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये आपको लगता है? देखो कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करता हूँ, आप लोग फटाफट आंसर करना, अरमिन क्या हुआ? चलो आप लोग फटाफट मुझे क्वेश्चन बताना, सोचकर, थोड़ा सा आपस में डिस्कस नहीं करना है, सोचकर बताना मुझे फटाफट कि हमारे देश में संदीप महेश्वरी जैसे लोग हैं, ठीक है, जो इतने ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, इतने सारे के सारे सिविल सर्वेंट जो बनना चाहते हैं वो सब सिविल सर्विस करना चाहते हैं, मतलब कोई करप्शन नहीं करना चाहता, सारे नेता हैं देख लो आप, सब भलाई करना चाहते हैं, फिर हमारे देश की ये दुर्दशा कर कौन रहा है? नहीं आया समझ में? आप सब लोग ईमानदार हैं और मैं भी हूं, हम लोगों के पेरेंट्स भी ईमानदार हैं,
और उनके पेरेंट्स भी ईमानदार हैं, है ना, इंटरेस्टिंग बात। और तो और एक और बात बताऊं, मेरे फादर ईमानदार हैं और मेरे चाचा भी ईमानदार हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा बेईमान कौन है, करप्शन कर कौन रहा है, समझ गए हो ना, गलत कर देता और उसको लगता है कि मैं ईमानदार हूं। पता तुम्हें, अगर जब बात आती ना इंडिया करप्ट, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा करप्शन, तो समझ लेना आप ही कर रहे हैं, वो किसी दूसरे पे नहीं थोपना है। हम लोग पता खुश कहाँ हो जाते हैं, करप्शन हो रहा है, हाँ हाँ हम थोड़े ना कर रहे हैं, हो रहा है और क्या। ये चीज को ध्यान में रखें भाई, यूनियन स्ट्रेंथ। और हमारे देश में क्या है, ये इस चीज को क्या है, लोगों ने क्या कर दिया है, एकता को हटाओ और करप्शन फैलाओ, यूनियन इज स्ट्रेंथ मिल गया है हमें, क्या एकता में शक्ति होती है। बंडल वाली बचपन में ये स्टोरियां सब लोगों ने सुनी हुई है ना, माचिस की तीली वाली या फिर जो लकड़ियों का बंडल वाला, ठीक है कि नहीं है, और दादा दादी ने भी सुनाई होंगी आपको। अगला देखें, वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स, ये वो ही है भाई, वन पॉमग्रेनेट, ठीक है कि नहीं, एंड 100 सिक पीपल, एक अनार 100 बीमार। तो अब एक अनार 100 बीमार वाला यही हाल है, देखिए पोस्ट कितनी है एक, ये तो आप लोगों के साथ में भी लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, वैकेंसी कितनी आई है ना, फॉर्म कितने डले, पता चला 15 लाख, तो क्या हो रहा है, वन पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, वन पोस्ट तुम्हारे हिसाब से, वन पोस्ट 1000 कैंडिडेट्स, हाँ, और पता चला 5000 कैंडिडेट्स, समझ गए ना, एक अनार 100 बीमार। आगे बढ़ जाओ, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, ये तो आप लोगों ने सुना ही है भाई। देखो क्वारल मतलब क्या होता है, झगड़ना, और इट टेक्स टू टू मेक अ, एक अकेला व्यक्ति लड़ाई कर सकता है क्या, अकेला है आपस में दे जा रहा है, और इज इट पॉसिबल व्हेन द पर्सन इज पागल हो, और वो भी खुद से नहीं झगड़ेगा, या फिर वो जो होते हैं ना इनको भूचूरल जड़ जाते हैं, वो करते हैं फिर ड्रामा। बाकी क्या है, इट टेक्स टू, इसका मतलब है कि दो लोगों को जरूरत है, अगर आपको शोर शराबा करना है तब भी कितने लोगों की जरूरत है, दो लोगों की, यानी कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए क्या चाहिए, दोनों हाथ, लेकिन इसमें कुछ बोलते ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती लेकिन चुटकी जरूर बजती है, तो उसमें भी है कि चुटकी भी एक उंगली से नहीं बजती, दो उंगलियों से बजती है, ठीक है कि नहीं, उसमें भी करेक्शन है ना, समझ गए ना। तो क्या है हमारा, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, मतलब दो लोगों को क्या चाहिए, शोर करने के लिए भी दो लोगों की जरूरत है, एक हाथ से ताली नहीं बजाई जाती। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, बताओ इसका क्या होना चाहिए फटाफट, हाँ हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई इन रियल लाइफ, क्या होता है भाई, हर क्रिया के पीछे एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ईच एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर एक्शन अच्छी है तो रिएक्शन अच्छा होगा, एक्शन बुरी है तो, लेकिन ये यहाँ पर कभी कुछ लोगों को मैंने कंप्लेन कर दिया था, कर्म तो हमारे बहुत अच्छे थे, फल इतना खराब मिला है कि नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को जिनको मिल रहा हो ना, समझ जाओ उनके कर्म भी अच्छे नहीं थे, और अगर इस जन्म में ठीक थे तो पिछले जन्म में खराब थे, है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो खराब होंगे। लाइट लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, यानी कि क्या है, क्या बोला, हाँ कर भला तो, समझ गए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये बहुत ही ठीक है। अब यहाँ पर रोम भाई इटली की राजधानी क्या होती है, ठीक है ना, रोम इज द नेम ऑफ अ सिटी, क्या है रोम, रोम इज द नेम ऑफ अ सिटी, यहाँ पर देख लें आप, ये भाई क्या है, एक सिटी का नाम हो गया, वॉज नॉट बिल्ट, ये बिल्ड होती है ना बिल्डिंग वाली, कौन सी बिल्डिंग वाली, बिल्ड मतलब क्या होता है इसका, बनाना, किसी भी चीज को बनाना। अब ये यहाँ पर बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, बिल्ड, अब क्या है, अब ये पैसिव का सेंटेंस है, देखो यहाँ पर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में, जैसे बोलते हैं एक दिन में पहाड़ नहीं खोदा जा सकता, बस सारे लोग जिम जाते हैं स्टडी कम, मतलब मोटिवेटेड होकर पढ़ाई में आ जाते हैं और फिर एक दिन में ही सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं एक दिन में ही बन जाए सब, तो क्या भाई, एक दिन में कुतुब मीनार नहीं बनाई जा सकती, एक दिन में शहर नहीं बनाया जा सकता, और एक दिन में आप क्या नहीं बन सकते, दशरथ मांझी नहीं बन सकते, दशरथ मांझी नाम सुना ना, नहीं सुना है, इसने पहाड़ तोड़ दिया था, हाँ पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया था ना, तो वो क्या है रोम, एक दिन में रोम जो नाम की सिटी है वो एक दिन में नहीं बनाई गई, इसका मतलब है एक दिन में शहर नहीं बनाया जा सकता। कारस धीरे होत कहे होत
अभी यहां पर देख ले, सेंस निकल रहा है, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली कार्य होता है, एकदम नहीं होता है। क्या है? कहे होत अधी, ठीक है। पढ़े आगे, अगला देखे, टू बी एट 6 and 7। कुछ लोग होते हैं भाई, भाई पता चला कि 4 भाई थे और चारों ही है ना, तो मैं स्टोरी बता देता हूँ। 4 भाई थे, कोई भी नाम ले लें आप, ठीक है, गोलू, टिंकू, पिंटू और है ना, तो मैं से एक आंसर कर रहा था ना उस दिन, लल्लू है ना, ये 4 हैं। अब पता चला एक ने प्रॉपर्टी बेचना है, एक ने प्रॉपर्टी बेचना, चारों पहले साथ में रहते, प्रॉपर्टी बेची है, अब उसने कितना अमाउंट रख दिया, 50,000 में ये वाली चीज बेची है। फिर दूसरा भाई, नहीं नहीं 60 में बेचेंगे, पलट गया। फिर तीसरा आ गया, नहीं वो 75 में करना था, समझ रहे ना, मतलब इसको बोलते हैं ना तितर बितर हो जाना, उनकी किसी की सोच कुछ मैच ही नहीं हो रही है। अब इधर उधर ये हमारे पॉलिटिशियन लोग हमारे साथ में गेम क्या खेल रहे हैं, यही वाला गेम खेल रहे हैं हमारे साथ में, क्या कर रहे हैं, टू बी, बी मतलब क्या, होना, टू बी एट 6 and 7 मतलब क्या है, तितर बितर कर देना हम लोगों को, क्या एक नहीं होने देते, यूनियन ये लोग जानते हैं, इसलिए हमें ये क्या बनाए रखते हैं, टू बी एट 6 and 7 तितर बितर कर देते हैं हम लोगों, 3-13 हो जाना, ठीक है, समझ गया ना, तर बितर हो जाना। आगे देखें, अ वर्न चाइल्ड ब्रीड्स द फायर, ये भी भाई इसको इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, वंस बीटन ट्वाइस शाय, इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, वंस बीटन ट्वाइस शाय, अ वर्न चाइल्ड ब्रीड्स द फायर, एक बार समझ जाना, जो एक बार व्यक्ति पिट चुका है ना, जो एक बार पिट चुका है दूसरी बार क्या करता है, घबराता है, तो बोलते हैं ना अपन लोग, दूध का जला सांच को भी फूंक फूंक कर पीता है, ऐसा है कि नहीं है, तो वैसा ही कुछ है, वंस बीटन ट्वाइस शाय, एक बार जो पिट गया वो दूसरी बार क्या करता है, घबराता है, वैसे यहाँ पर एक बार जो जल गया वो क्या है, आग से दूर भागता है, फिर समझ गए ना, वैसा ही है, तो यानी कि दूध का जला सांच को भी क्या है, फूंक फूंक कर पीता है, समझ गए ना, ये तो सब हमारे ऊपर ही लागू हो रही है। हाँ, रिसेंटली आई हैव डन, मैंने भी एक गलती की, फिर उसके बाद में मैंने ये किया, दूध का जला छांच को भी फूक फूक कर देता है कि नहीं है। एक बार एक लड़के को क्या कर दिए, पैसे दे दिए, एक अच्छा अमाउंट दे दिया, अब वो खा गया, अब दूध का जला छांच को भी फूक फूक कर पीता है, अब जब कोई मांगता है तो नहीं देते, है कि नहीं है। डिस्टेंस ड्रम साउंड्स वेल, ये तो भाई बिल्कुल होता ही है, डिस्टेंस ड्रम्स साउंड्स वेल। अभी मेरा रिसेंटली अभी मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, बोलते तुम्हारी लाइफ बढ़िया है यार, तुम्हारे है ना जीवन में है ना, तुम्हारे तो मजे हैं, और मैं उसको देखकर सोच रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था तेरे मजे हैं, फिर मैंने मैंने क्लियर कर लिया, मतलब अब मैं है ना, मेरे से कोई बोलता है ना तुम्हारे मजे, हाँ मेरे हैं ये इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है उसके भी नहीं है और मेरी भी नहीं है कि नहीं, कम से कम उसको यही ना लगे, है कि नहीं, तो भाई खुश होकर बोल दो हाँ मेरा सब सही चल रहा है, है कि नहीं, क्या होते हैं दूर के ढोल सामने होते हैं, समझ गए ना, क्या है डिस्टेंस ड्रम्स साउंड्स वेल, दूर के ढोल सुहावने, सुहावने मतलब ऐसा लग रहा होता बजते, ये ऐसा भी होता है कि आप खाना खाने जा रहे हैं तो आपकी दूसरे की थाली में आपको ज्यादा लग रहा होता है, या फिर इसका ऐसा लग रहा होता है कि इसकी सब्जी ज्यादा टेस्टी है, मेरी मुझे है ना इसने छांट कर दी है खराब बात। चलो लास्ट वन, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, ये तो अपन सब लोगों के साथ नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, तो समझ लें, अ बैड वर्कमैन एक ऐसा व्यक्ति जिसको काम करना नहीं आता, मोटरसाइकिल सुधारने वाला है उसको क्या है, मोटरसाइकिल सुधारना नहीं आता, इज नॉट अ गुड रिपेयर, सुधारना नहीं आता है, क्वारल्स विद हिज टूल्स, लेकिन अपने वो जो क्या है उसके जो औजार है ना उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना अपन लोग कि काम करना तो हमें नहीं आता लेकिन चीजों का फॉल्ट निकालना, और ये हमें बहुत अच्छे से आता है ना, मींस बीइंग स्टूडेंट होता है, नहीं अरे सर पढ़ाई क्यों नहीं हो पाई, सर घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं है ना, पापा मम्मी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और फिर हमारी भी प्रॉब्लम है, कोचिंग भी सही नहीं चल रही थी, समझाया ही सही नहीं था, बाकी हम तो अपनी जगह सही है कि नहीं है, बाकी दुनिया भर के फॉल्ट है सर, टाइम अलग नहीं मिल पा रहा है सर, क्यों दिन भर सर मोबाइल चलाते हैं तो आपको पता है बिजी भी रहते हैं है ना, और ये तो है ही, है कि नहीं है, तो अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, क्या बोलते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है कि नहीं, तुम्हारे हालात ऐसे,
क्या बोलेंगे, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब क्या है, नाचना हमें नहीं आता, क्या कह रहे हैं, आंगन टेढ़ा है। अ बैड वर्कमैन क्वरल्स विद हिज टूल्स, काम करना नहीं आता लेकिन क्या कर रहा है, टूल्स यानी औजारों से झगड़ रहा है बेचारा, औजारों में खराबी है मेरे में नहीं है, ठीक है कि नहीं, समझ गए हो गए हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये भी हम लोगों के साथ में है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अभी अधूरी पढ़ाई करने के बाद पेपर है हमारा इंदौर में, फैमिली से कह रहे हैं पेपर देने जा रहे हैं, पैसे कितने चाहिए, 5,000 है कि नहीं है, पता चला नॉलेज है नहीं है, देख लें भाई, लिटिल नॉलेज को देखें। जो लोग, एक कॉमन पॉइंट है, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करना, जो लोग सब चीज में अच्छे होते हैं ना, वो किसी भी चीज में बहुत अच्छे नहीं होते, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, और इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये बीच में ही रह जाते हैं बेचारे, समझ गए ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो जो सब में अच्छे होते हैं वो किसी एक में भी बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब पता चला तुम कौन से सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है, फिर सारे ही ठीक है एवरेज, मतलब समझो किसी में भी अच्छा नहीं है अभी, और कुछ ऐसे होते हैं बेचारा पता चला मेरी इंग्लिश ठीक है, हिंदी में पूरा ही गड़बड़ चला गया, है कि नहीं है, तो क्या है, लिटिल नॉलेज क्या है, अधूरा ज्ञान क्या होता है भाई, खतरनाक होता है, कैसे, वो तुमने मूवी देखी धमाल है ना, उसमें वो एरोप्लेन उड़ा देता है, एरोप्लेन उड़ाने के बारे में कुछ बोलता है, तुम्हें रेड बटन दिख रही है, हाँ दबा दी नहीं दबाना था, ये क्या है भाई, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, उड़ाना तो आ गया लैंड करना आ ही नहीं रहा है, समझ गए ना, इसके आगे हम लोग कल करेंगे, कल हम लोगों का क्या टर्न है, क्या ये याद रहेंगे, पूछूंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग आ जाएगा, नीम अकीम खतरे जान, तुम तो ऐसे ही समझ लें इसको, क्या है ये पेपर में क्या है, बोल्ड लेटर्स में आते हैं, सेंटेंस के तरीके से क्या करेंगे, यूज होंगे आपको, फिर इनका मीनिंग दिए होंगे आपको, चार ऑप्शन में दिए होंगे और उनका आपको प्रॉपर मीनिंग देना होगा, बताना होगा, जैसे पता है जहां पर आ गया लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, फिर आपका कोई सेंटेंस दिया, अब उसमें आप लोगों को देखना है कि कहां पर यूज हुआ है, किस सेंस में यहां पर इसका यूज हुआ है, समझ लो, या फिर कोई एग्जांपल दे दिया, चार आपको मुहावरे दे दिए, अब आप बता रहे हो कौन सा लगेगा, इस तरीके से आते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप का, ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा फ्राइडे हुआ तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, आइडम्स ऑफ फ्रेजेस को करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग टर्न वाइज करते रहेंगे, अभी हम लोग इनको कितना करना है, मिनिमम आपको 100 प्रोवोक्स कर लेना है, कितनी 100, आपकी कितनी हो गई है 21, 100 हमें पहुंचाना है, और इसके बाद में अपन लोगों को आइडम्स और फ्रेजेस वो तो हमें ज्यादा करने पड़ेंगे, मिनिमम 200-300-400 इतना हो जाए हमारे, ठीक है, आइडम्स और फ्रेजेस इतने आ जाए हमें, इसके बाद हम लोग क्या है साइड बाय साइड वोकैब पर भी काम करते चलेंगे। कल हम लोग किसका टर्न है हमारा, कल पैसेज का, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।